इस हॉल में मौजूद हैं और आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। धीरज, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं धीरज सुथार, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोंडवा राजसमंद राजस्थान से हूँ। मैं 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि व्यायाम के साथ साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना कि मानसिक स्वास्थ्य। कृपया मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। आपका शरीर देख करके लगता है मुझे आपने सही सवाल पूछा है। और आपकी ये चिंता भी सही होगी। धन्यवाद धीरज। अपनी सांस्कृतिक परंपरा और बर्फीली चोटियों पर तैनात सेना के जाबाजों के शौर्य के लिए विख्यात उत्तर भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कारगिल की छात्रा नजमा खातून हमसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रही हैं और प्रधानमंत्री जी आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं। नजमा, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम नजमा खातून है। मैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कारगिल लद्दाख में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि परीक्षा की तैयारी और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया नजमा। पूर्वोत्तर भारत के रत्न जनजातीय बहुल राज्य अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से एक शिक्षिका टॉबी लामी जी इस सभागार में उपस्थित हैं और प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हैं। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम टॉबी लामी है। मैं एक शिक्षिका हूँ। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नाहरलगुन अरुणाचल प्रदेश से आई हूँ। मेरा प्रश्न है, विद्यार्थी खेल कूद नहीं बल्कि पढ़ाई में मुख्य रूप से क्या और कैसे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। प्रधानमंत्री जी, धीरज, नजमा और तोबी जी पढ़ाई और हेल्दी लाइफ में सामंजस्य कैसे स्थापित करें, इस विषय पर आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मोबाइल फोन का उपयोग करते होंगे और कुछ लोग होंगे शायद उनको घंटों तक मोबाइल फोन की आदत भी हो गई होगी। लेकिन क्या कभी ऐसा विचार आया मन में कि नहीं नहीं मैं रिचार्जिंग में फोन रखूंगा तो मेरा मोबाइल का उपयोग कम हो जाएगा, इसलिए रिचार्जिंग नहीं करूंगा। अगर रिचार्जिंग नहीं करूंगा तो मोबाइल काम करेगा क्या? करेगा क्या? तो मोबाइल जैसी चीज जो रोजमर्रा देखते हैं उसको भी चार्जिंग करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है? अरे जवाब तो दीजिए। रिचार्ज करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है? अगर मोबाइल को करना पड़ता है तो ये बॉडी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जैसे मोबाइल फोन में चार्जिंग ये मोबाइल की रिक्वायरमेंट है, वैसे हमारा शरीर का भी चार्जिंग ये शरीर की रिक्वायरमेंट है। आप ऐसा सोचो कि नहीं पढ़ना है तो बस विंडो बंद, पढ़ाई बाकी सब बंद, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जीवन ऐसे नहीं जी सकते हैं और इसलिए जीवन को थोड़ा संतुलित बनाना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं खेलते ही रहते हैं, वो भी एक संकट होता है। लेकिन जब आपको एग्जाम देनी हो, क्योंकि लौकिक लाइफ जीवन में इन चीजों का अपना महत्व है, इसको टाल नहीं सकते, लेकिन अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे
अगर हम अपने शरीर में वो सामर्थ्य ही नहीं होगा तो हो सकता है कि 3 घंटे एग्जाम में ही बैठने का सामर्थ्य खो देंगे, फिर 5 मिनट ऐसे ही करके बैठा रहना पड़ेगा। और इसलिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन के लिए भी बहुत जरूरी है। अब स्वस्थ शरीर का मतलब ये तो नहीं है कि आपको पहलवानी करनी है, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जीवन में कुछ नियमितताएं होती है। अब आप कभी सोचिए कितना समय है जिसमें आप खुले आसमान के नीचे सनलाइट में बिताए हो। अगर आप चलो पढ़ना भी है तो किताब लेकर के सनलाइट में बैठो ना भाई थोड़ी देर। कभी कभी बॉडी को रिचार्ज करने में सनलाइट बहुत जरूरी होता है, क्या कभी कोशिश की? नियम से कि भाई मैं दिन में कैसे भी करके इतना तो मौका निकाल दूं ताकि मुझे सनलाइट के साथ नाता रहे। उसी प्रकार से कितना ही पढ़ना क्यों ना हो, लेकिन नींद को कभी भी कम मत आंकिए। जब अपनी मम्मी हमको कहती हैं कि सो जाओ तो उसको उसका इंटरफेरेंस मत मानिए। ज्यादातर स्टूडेंट का ईगो इतना हर्ट हो जाता है, तुम कौन होती हो, सोने सो जाओ और मुझे कल एग्जाम देनी है, मैं सोऊंगा नहीं सोऊंगा तुम्हें क्या लेना, ऐसा करते हैं ना घर में। जो नहीं करते हैं मन ना बोले, जो करते हैं वो बोले जरा, करते हैं? कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन ये पक्का है कि नींद के विषय में भी अगर एक बार रील पर चढ़ गए, एक के बाद एक रील देखते ही गए, छुपाना चाहते हो ना, कितना समय बीत गया पता नहीं, कितनी नींद खराब हो गई पता नहीं, क्या निकाला पहला रील देखा था याद करो जरा, याद भी नहीं है, ऐसे ही देख रहे हैं। ऐसे हम नींद को बहुत कम आंकते हैं। आज आधुनिक हेल्थ साइंस जो है वो नींद को बहुत तवज्जो देता है। आप आवश्यक नींद लेते हैं कि नहीं लेते हैं वो आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि बस एग्जाम तो आती रहेगी, मोदी जी को मिला था उसने कहा है सो जाओ। अभी यहां आर्टिस्टिक बोर्ड बनाओ और घर में घुसते ही लिखो सो जाओ, मम्मी पापा को दिखा दो सो जाओ, ऐसा तो नहीं करेंगे। कम नींद स्वास्थ्य के लिए अनुचित है। कुछ अपवाद लोग होते हैं जिनको एक उन्होंने अपने एक ऐसे स्टेज पर बॉडी को ले गए हैं, उनको शायद उससे बाहर होंगे, सामान्य मानवीय के जीवन के लिए अनुचित है। आप कोशिश कीजिए कि आपकी रिक्वायर जितनी भी नींद है वो आप पूरी लेते हैं, और ये भी देखिए कि साउंड स्लीप है कि नहीं, बहुत गहरी नींद होनी चाहिए। आप हैरान हो जाएंगे, जो टीचर बैठे ना बड़ी आयु के टीचर, ये सुनकर के जरूर चौंक जाएंगे। आज भी मैं इतना सारा मेरे पास काम है ना, आप लोगों जितना नहीं है। लेकिन 365 दिन कोई अपवाद नहीं, अगर मैं बिस्तर पे लेटा नहीं कि 30 सेकंड में डीप स्लीप की तरफ नहीं चला गया था होता नहीं, 30 सेकंड लगता है मुझे। आप में से बहुत छोटी आयु के भी होंगे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, फिर नींद आई तो आई, क्यों? मेरा बाकी जो जागृत अवस्था का समय है उसमें बहुत जागृत रहता हूं मैं। तो जब जागृत हूं तो पूरी तरह जागृत हूं, जब सोया हूं तो पूरी तरह सोया हूं, और वो बैलेंस
जो बड़ी आयु के लोग हो परेशान होते होंगे, हाँ यार हमें तो नींद ही नहीं आती, आधा घंटा तो ऐसे ही करवट बदलते रहते हैं, और ये आप अचीव कर सकते हैं। फिर एक विषय है न्यूट्रिशन, संतुलित आहार, और आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में जिन चीजों की जरूरत है वो आपके आहार में है कि नहीं है। एक चीज पसंद है बस खाते रहते हो, पेट भर जाता है, कभी मन भर जाता है, लेकिन शरीर की आवश्यकताएं पूरी नहीं करता है। 10th 12th का एक कालखंड ऐसा है जब आपके पास एग्जाम का वातावरण है, तो एक बार तय कीजिए कि मेरे शरीर को जितनी रिक्वायरमेंट है वो मैं लेता हूँ। माँ बाप भी बच्चे को ऐसा ना करें, नहीं नहीं आज तो हलवा बनाया जरा ज्यादा खा ले। कभी माँ बाप को भी लगता है कि क्वांटिटी ज्यादा खिला दी तो बच्चा आज खुश है, जी नहीं, उसके शरीर। और इसके लिए कोई अमीरी गरीबी का मुद्दा नहीं है, जो उपलब्ध चीजें होती हैं उसी में से मिल जाता है जी, उसमें सारी चीजें रहती हैं, कम से कम खर्च वाली भी चीजें होती हैं जो हमारे न्यूट्रिशन को कैर कर सकती है। और इसलिए हमारे आहार में संतुलन ये भी स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है। और फिर एक्सरसाइज, हमने पहलवानी वाली एक्सरसाइज करे या ना करे अलग बात है, लेकिन फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। जैसे डेली टूथब्रश करते हैं ना, वैसे ही नो कॉम्प्रोमाइज एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं वो छत पे चले जाते हैं, किताब लेके चलते हैं और पढ़ते रहते हैं, दोनों काम कर लेते हैं, कुछ गलत नहीं है। वो पढ़ता भी है और अपना धूप के अंदर चल भी लेता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है। कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती रहती है। 5 मिनट 10 मिनट डेडिकेटेड फिजिकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए, ज्यादा कर सकते तो अच्छी बात है। अगर इन चीजों को सहज रूप से आप लाएंगे, एग्जाम के तनाव के बीच सब कुछ इधर करेंगे वो नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। संतुलित करिए, आपको बहुत फायदा होगा। धन्यवाद। पीएम सर, आपने एग्जाम वॉरियर में भी हमें यही संदेश दिया है, जितना खेलोगे उतना खिलोगे। थैंक यू पीएम सर। रविंद्रनाथ टैगोर वंदे मातरम की अमर भूमि, समृद्ध कला कौशल से भरपूर राज्य बंगाल के नॉर्थ 24 परगना स्थित केंद्रीय विद्यालय की छात्रा मधुमिता मल्लिक हमसे वर्चुअल माध्यम से प्रश्न पूछना चाहती है। मधुमिता कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय नमस्कार, मेरा नाम मधुमिता मल्लिक है। मैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बैरकपुर थलसेना कोलकाता संभाग की 11वीं विज्ञान की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है, आप उन छात्रों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो अपने करियर के बारे में अनिश्चित है या किसी विशेष करियर या पेशे को चुनने के बारे में दबाव महसूस करते हैं? कृपया इस विषय पर मुझे मार्गदर्शन करें। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद मधुमिता। पीएम सर, भगवान कृष्ण की उपदेश भूमि, वीर बहादुर खिलाड़ियों के प्रदेश हरियाणा पानीपत के द मिलेनियम स्कूल की छात्रा अदिति तनवर ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी हुई है और आपसे मार्गदर्शन चाहती है। अदिति कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम अदिति तनवर है और मैं द मिलेनियम स्कूल पानीपत हरियाणा की कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि मैंने ह्यूमैनिटीज को अपने विषय के रूप में चुना है और लोग रोज मुझ पर ताने कसते हैं। मुझे यह विषय पसंद है इसलिए मैंने इसे चुना है, पर कभी कभी तानों को संभालना मुश्किल हो जाता है। इन्हें कैसे संभाले और कैसे नजरअंदाज करें, मैं इसमें आपसे मार्गदर्शन चाहती हूँ। धन्यवाद श्रीमान, नमस्कार। थैंक यू अदिति। मधुमिता और अदिति तथा इन जैसे कुछ विद्यार्थी जीवन में करियर के चयन में दबाव अनुभव करते हैं। सर, एक विशेष करियर या स्ट्रीम चुनने की मानसिकता के दबाव की समस्या का कैसे समाधान करें?
मुझे नहीं लगता है कि आप स्वयं कंफ्यूज हैं, आप स्वयं उलझन में हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। हकीकत यह है कि आपको अपने पर भरोसा नहीं है, आपका अपने सोचने के संबंध में दुविधा है और इसलिए आप 50 लोगों को पूछते रहते हैं क्या लगता है ये करूं तो, क्या लगेगा ये करूं तो। आप खुद को जानते नहीं हैं और उसके कारण आप किसी के एडवाइस पर डिपेंडेंट रहते हो और जो व्यक्ति ज्यादा अच्छा लगता है आपको और जो एडवाइस आपको सबसे सरल लगती है आप उसी को एडॉप्ट कर लेते हो। अब जैसे मैंने कहा कि खेलो, अब बहुत कुछ होंगे जो आज कल बोर्ड लेकर के घर जाएंगे, मोदी जी ने कहा है खेलो 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 खेलो, अब मैं पढ़ूंगा नहीं बस, क्यों उसने अपनी चीज पसंद कर ली है। मैं समझता हूं कि सबसे बुरी जो स्थिति है ना वो कंफ्यूजन है। अनिर्णायकता है, अनिर्णायकता। आपने देखा होगा पुराने जमाने में ऐसी कथा चलती थी, कोई गाड़ी लेकर के जा रहा था और कुत्ता तय नहीं कर पाया इधर जाओ उधर जाओ और आखिरकार वो नीचे आ गया। यही होता है, अगर उसको पता है कि मैं उधर चला जाऊं तो हो सकता है कि वो ड्राइवर भी उसको बचा ले, लेकिन आ इधर गया इधर गया इधर गया तो ड्राइवर कितना ही एक्सपर्ट होगा नहीं बचा पाएगा। हमें अनिश्चितता से भी बचना चाहिए, अनिर्णायकता से बचना चाहिए और निर्णय करने से पहले सारी चीजें हमने उसको जितने तराजू पर तोल सकते हैं तोलना चाहिए। दूसरा, कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि फलानी चीज वैसी है ठीक नहीं चीज। अब मुझे बताइए, स्वच्छता का विषय अगर प्रधानमंत्री के रूप में देखें तो बहुत मामूली विषय है कि नहीं है, बहुत मामूली विषय है कि नहीं है। कोई भी कहेगा यार पीएम को इतने सारे काम है, ये स्वच्छता स्वच्छता करता रहता है, लेकिन जब मैंने उसके अंदर अपना मन लगा दिया, हर बार मैंने उसको अपना एक महत्व का साधन बना दिया, आज स्वच्छता देश का प्राइम एजेंडा बन गया कि नहीं बन गया। स्वच्छता तो छोटा विषय था लेकिन अगर मैं उसे जान मैंने भर दी तो वो बहुत बड़ा बन गया। इसलिए हम ये न सोचे, आपने देखा होगा कल मैं पूरा तो पढ़ नहीं पाया लेकिन मेरा नजर गई कि किसी ने कहा है कि पिछले 10 साल में आर्ट और कल्चर के क्षेत्र में भारत का मार्केट 250 गुना बढ़ गया है। अब आज से पहले कोई पेंटिंग करता तो मां बाप कहते पहले पढ़ाई करो, वैकेशन में पेंटिंग करना, उसको लगता ही नहीं था कि पेंटिंग भी जीवन में महत्व का विषय हो सकता है। और इसलिए हम किसी चीज को कम ना आके हमारे में दम होगा तो हम उसको जान भर देंगे। हमारे में सामर्थ्य होना चाहिए और जो चीज हाथ में लें उसमें जी जान से जुट जाएं। हम आधे अधूरे, यार उसने ये लिया मैं ये लेता तो शायद अच्छा होता, उसने ये लिया मैं ये लेता तो अच्छा होता, ये उलझन आपको बहुत संकटों में डाल सकती है। दूसरा विषय है कि आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने आपके लिए बहुत सुविधा कर दी है, आप एक क्षेत्र में बढ़ रहे हैं लेकिन आपको कहा मन कर गया चलो एक और ट्रायल करना है तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, आपकी राह बदल सकते हैं, आपको किसी पर बंध रहने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप प्रगति कर सकते हैं। तो उसने सोचा नहीं, वैसी चीजें व्यक्तिगत जीवन में भी आ जाती है, परिवार जीवन में आ जाती है, आप फिर उसको उसे भी संभालना पड़ता है। अब एक नेचर ऐसा होता है कि भाई बहुत बड़ी आंधी आई है चलो कुछ पल बैठ जाए निकल जाने दो, कुछ संकट आया है नीची मुंडी करो यार
समय जाएगा। शायद ऐसे लोग जीवन में कुछ अचीव नहीं कर सकते। मेरी प्रकृति है और जो मुझे काफी उपकारक लगी है, मैं हर चुनौती को चुनौती देता हूं। चुनौती जाएगी, स्थितियां सुधर जाएगी, इसकी प्रतीक्षा करते हुए मैं सोया नहीं रहता और उसके कारण मुझे नया नया सीखने को मिलता है। हर परिस्थिति को हैंडल करने का नया तरीका, नए प्रयोग, नई स्ट्रेटजी, ये इवॉल्व करने का सहज मेरी विधा, मेरा अपना विकास होता जाता है। दूसरा, मेरे भीतर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। मैं हमेशा मानता हूं कि कुछ भी है, 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ हैं। अगर 100 मिलियन चुनौतियां हैं तो बिलियंस ऑफ बिलियन समाधान भी है। मुझे कभी नहीं लगता है कि मैं अकेला हूं। मुझे कभी नहीं लगता है कि मुझे करना है। मुझे हमेशा पता होता है मेरा देश सामर्थ्यवान है, मेरे देश के लोग सामर्थ्यवान है, मेरे देश के लोगों का मस्तिष्क सामर्थ्यवान है। हम हर चुनौती को पार कर जाएंगे। ये मूलभूत मेरे भीतर मेरा सोचने का पिंड है और इसके कारण मुझे कभी नहीं लगता यार मुझ पर आया क्या करूंगा। मुझे लगता है नहीं, 140 करोड़ लोग हैं, संभल जाएंगे, ठीक है, आगे मुझे रहना पड़ेगा और गलत हुआ तो गाली मुझे खानी पड़ेगी।